नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। विधायक सचिन बिरला ने भाजपा में प्रवेश के बाद पहली बार शनिवार को अपने गृह ग्राम डुडगांव स्थित मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का उपयोग किया। बिरला ने कतार में लगकर अपना मत दिया। बिरला ने कहा कि लोकतंत्र के महायज्ञ में मैंने भी आहुति दी है, सभी मतदाता राष्ट्र हित में अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, देश हित सर्वोपरि। आज लोकतंत्र के महायज्ञ में मैंने भी अपने मत का उपयोग किया, अपने मत की आहुति दी, और इस अवसर पर समस्त लोकसभा के और हमारी विधानसभा के सभी भाइयों बहनों युवा साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना मत का उपयोग राजनीति में करें। थाना माचलपुर पुलिस ने नकबजनी के आरोपियों को घटना घटित करने के 24 घंटे के अंदर चोरी किया गया मशरूका सहित गिरफ्तार किया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महादेशी प्रदीप शर्मा सर द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों में शीघ्र गिरफ्तारी एवं माल की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया था। दिनांक 29/10/2021 को रियादी मोतीलाल पिता नानूराम गुजर निवासी रतनपुरा ने रिपोर्ट किया कि दोपहर करीब 2 बजे उसके घर से अज्ञात व्यक्ति द्वारा ताला तोड़कर 50 किलो सोयाबीन चोरी कर लिया गया है। जिसके सूचना पर थाना आजापुर अपराध क्रमांक 301/21 धारा 454 380 बहादुरी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान कामना प्रसाद सर एवं SDP महोदय श्री सुश्री निशा रेड्डी के नेतृत्व में टीम गठित करी गई, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति झरने जोड़ पर सोयाबीन की कट्टी लेकर खड़े हैं, जिसे बेचने की फिराक में है वो लोग, जिसकी सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए टीम को रवाना किया गया एवं आरोपी बजरंग पिता मोतीलाल गुर्जर एवं कैलाश पिता रतनलाल वर्मा निवासी रतनपुरा के कब्जे से उक्त चोरी गया सोयाबीन की कट्टी को बरामद कर लिया गया है। उक्त पूरी कार्रवाई में सहोनी राजेंद्र खींची, आरक्षक रविंद्र, आरक्षक नीरज, सैनिक मुमताज और आरक्षक सीताराम भी महत्वपूर्ण। सुठालिया में किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। 420 और धोखाधड़ी से संबंधित जो अपराध पंजीबद्ध है जिले में, उनके निराकरण के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमें बार बार आदेशित किया गया था। आज से करीब 6-7 माह पूर्व थाने में किसानों के साथ धोखाधड़ी कर उनकी फसल ले जाने से और उनके पैसे का भुगतान न करने पर से गुना के निवासी देवेन अग्रवाल के विरुद्ध अपराध धारा 420 का पंजीबद्ध किया गया था। अपराध घटना दिनांक से ही आरोपी की लगातार गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था, जिसमें हमें कल सफलता मिली और आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय की प्राणिकी और जैव प्रौद्योगिक अध्ययन शाला के छात्र छात्राओं ने फूल, फंजाई, मशरूम, एलोवेरा सहित अन्य वनस्पतियों से ऐसे सौंदर्य उत्पाद तैयार किए हैं जो आपके चेहरे की चमक को तो बढ़ाएंगे, आपकी बढ़ती उम्र का एहसास भी कम कर देंगे। अध्ययन शाला के छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए सौंदर्य उत्पाद न केवल खूबसूरती बढ़ाने में सहायक है बल्कि एंटी एजिंग भी है। सबसे पहले मैं अपने कुलपति सर माननीय अखिलेश कुमार पांडे सर का धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ हमारे जितने भी हमारी फैकल्टी हैं डिपार्टमेंट की, उन्होंने हमें बहुत प्रेरणा और सहायता करी हमारे सारे प्रोडक्ट्स बनाने में। हमने आज यहाँ मशरूम की क्रीम, मशरूम से हमने बॉडी लोशन बनाया है, हिबिस्कस की टोनर बनाया है हमने जो चाइना रोज़ के नाम से जाना जाता है, हमने अपराजिता का टोनर बनाया है और ये सारे हमने हमारे जो डिपार्टमेंट में अवेलेबल मटेरियल्स हैं उनसे ही बनाए हैं। हमने इसमें कुछ भी केमिकल नहीं मिला है और हमने हमारी पूरी टीम ने एक कंबाइंड वर्क करा है, इसके ऊपर काम करा है और ये सारे केमिकल फ्री हैं। सर, सबसे पहली बात तो बाज़ार में आप जानते नहीं हैं कि कितने आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स और कितने केमिकल्स उसमें डले हुए हैं, बट ये सर हमारी नज़रों के सामने और हमने खुद अपनी मेहनत से बनाया और हम अश्योर करते हैं, इस बात की गारंटी देते हैं कि जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं वो पूरे किचन में जितने भी आपको मिलेंगे, जैसे फ्लावर्स हो गए और मशरूम जैसे कि सब हर्बल है, टोटली हर्बल है और इस बात की हम अश्योरिटी देते। सर, मशरूम की क्रीम है और एलोवेरा की क्रीम है और हिबिस्कस का बॉडी लोशन है और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सर जिसपे हम आगे सोच रहे हैं वर्क करने का।
सारंगपुर पुलिस एक्शन मोड में नजर आई है। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिग बालिका को केवल 3 घंटे में ही आरोपी के चंगुल से छुड़ाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 29/10/21 को किशनपुरा निवासी फरियादी ने थाने आकर रिपोर्ट की कि उसकी नाबालिग की बालिका जो है बिना बताए चली गई है। इस पर थाने पर अपराध धारा 300 का पंजीबद्ध कर बेबिशनामे लिया गया था और अप्रता की गुमशुदगी चंद घंटों में उसे दस्तयाब किया गया। उसके कथन लिए गए तो उसके द्वारा बताया गया कि गांव के ही 2 लड़के उसे बहला फुसला कर ले गए थे और उसके साथ गलत कृत्य किया। इस पर आरोपियों को तलाश की गई और गांव के पिंटू वाले जिन्हें सुनने वाला को गिरफ्तार कर मानने जाए पेश। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।